मंजिल पर कैसे पहुंचते हैं, यह उस चिड़िया से सीखो जो एक एक तिनका उठाती है और लगातार कठिन मेहनत से एक खूबसूरत घोंसले का निर्माण करती है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं मीनाक्षी चौधरी आज की प्रार्थना सभा का संचालन करने जा रही हूँ। हमें हर सुबह सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें आज का यह दिन दिया है। इस दिन हम फिर से जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाएंगे। तो आइए दिन की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना से करें। अब सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। प्रार्थना के बाद अच्छे विचार से हमारे मन को मजबूती मिलती है, उसी मजबूती से हम कार्य करते हैं। अच्छे विचार से भविष्य में अच्छे कदम उठाने में बहुत मदद मिलती है एवं ये जिंदगी में आशा की किरण जैसे हो सकते हैं। अतः मैं आज का विचार प्रस्तुत करने के लिए कक्षा 8वीं से मृणाल को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम मृणाल है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ और आप सभी के समक्ष आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद मृणाल। समाचार हमें हमारे चारों ओर हो रही सभी घटनाओं के बारे में सूचित करते रहते हैं। इनसे हमें देश विदेश के बारे में सभी जानकारी मिलती है, जो कि किसी भी प्रतियोगिता के लिए बहुत अहम है। अतः आज के समाचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8वीं से ईशिका को। आज के मुख्य समाचार से अवगत कराने के लिए ईशिका, आपका धन्यवाद। प्रिय मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक स्तर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न विषयों और वर्तमान मामलों में अपने सामान्य ज्ञान को अपडेट करने से हमें एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद मिलती है। अतः हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8वीं से मयंक को। हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आपका धन्यवाद। कविता साहित्य की एक विद्या है। कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति की अभिव्यक्ति है, कवि की व्यथा की अनुभूति है, कवि की आकांक्षाओं अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति है। कविताएं हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ाती हैं और अब हम सबके समक्ष कक्षा 6 से शुभ्रा कविता प्रस्तुत करने के लिए आ रही है। इस खूबसूरत कविता के लिए शुभ्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान एक राष्ट्र और उसके लोगों के इतिहास, संघर्ष और परंपराओं को दर्शाता है। यह राष्ट्रीय पहचान की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रगान का सम्मान सर्वोपरि है। अब वक्त है देश को सम्मान देने का। सभी राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएंगे। राष्ट्रगान के पश्चात आज की प्रार्थना सभा यहीं समाप्त हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।